अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज दोस्तों आप लोगों के साथ मैं एक ऐसी चीज़ शेयर करूंगा जिसके बाद अगर इस चीज़ को आप फॉलो करने लगेंगे तो आप 100% पोल्ट्री फार्मिंग में या फिर कोई भी बिजनेस में सफल हो सकते हो। ठीक है, तो जो ट्रिक है वो है कि आप जब भी कोई काम करेंगे पोल्ट्री फार्मिंग में या फिर कोई भी बिजनेस में या फिर कोई भी एग्रीकल्चर बिजनेस में, तो मैं पोल्ट्री फार्मर हूँ या फिर मैं खुद एक पोल्ट्री रिसर्चर हूँ, तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, कोई भी काम आप जब करेंगे कुछ ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि लीटर को रैकिंग करना अगर एक बार दिन में करना कंपलसरी है, आप दो बार कीजिए। पानी को जगह को साफ करना दो बार कंपलसरी है तो आप तीन बार कीजिए। ठीक है, मेडिसिन में 6 घंटे या फिर 8 घंटे अगर पानी देना सही है तो आप 6 घंटे अंतर पानी दीजिए। तो आप जितने ज़्यादा बार इस चीज़ को करेंगे, जितने अच्छी तरह से इसको मैनेज करेंगे, जितने अच्छी तरह से इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे, तो आपका रिजल्ट है वो उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि आपको दिखाता हूँ, अभी रात का टाइम है तो लीटर सही है, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय ज़्यादा था तो मैं अभी लीटर को और एक बार रैकिंग कर रहा हूँ। तो ये जो ज़्यादा बार करने से, एक बार ज़्यादा करने से जो आपका फल है, जो चीज़ है, वो आप ज़्यादा मिलते हैं, आपका जो सक्सेस के ऊपर पकड़ है वो ज़्यादा आपको होते हैं। ठीक है, तो अभी बाढ़ में कोई भी मेजर दिक्कत नहीं है, मेरा सिर्फ जो मैनेजमेंट है जो आप वीडियो में देखते हो, नॉर्मल मैनेजमेंट ही करता हूँ। लेकिन इस वीडियो को बनाने के बाद भी बहुत सारे पोल्ट्री फार्मर है वो खुद का अभी भी लॉस भी है या फिर एवरेज भी उसका रिज़ल्ट है, उतनी अच्छी इफ़ेक्टिव तरीके से उसका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। उसका कारण क्या है कि छोटे छोटे चीज़ पर आप हार मान लेते हो, छोटे छोटे चीज़ को आप नज़रअंदाज नहीं करते हो। ठीक है, तो बिज़नेस में प्रॉफिट तब होते हैं जब आप छोटे छोटे माइनर से माइनर चीज़ को ध्यान देते हो। ठीक है, बड़े चीज़ से कोई भी बिज़नेस सफल नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए अभी लीटर को मैं रात के टाइम रैकिंग कर रहा हूँ, काम नहीं है लेकिन छोटे छोटे काम मैं कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि अभी जो हॉपर के ऊपर जो डस्ट अभी पड़े हुए हैं उसको साफ़ सफाई करने की, तो ये चीज़ काल भी हो सकता है, लेकिन समय आपके पास जब है तो आप छोटे छोटे काम करके रखिए, तो आपका जो संभावना है प्रॉफिट के ऊपर, जो पकड़ है उस बिज़नेस के ऊपर, वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पोल्ट्री फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि 1000 बार आप पालन करेंगे तो आपको 50,000 का एक प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं अगर अच्छे फार्मर हूँ, अच्छे बिजनेसमैन हूँ, अच्छे कारोबार हूँ, तो अच्छे कारोबारी करने के मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट करो। ठीक है, उसमें ज़्यादा रिटर्न आएगी, उसका मतलब है उस बिज़नेस के ऊपर पकड़ मेरा ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को फॉलो करने की दोस्तों कोशिश कीजिए। समय था इसके लिए, इस ट्रिक को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नहीं तो मैं किसी भी दोस्त के साथ इस चीज़ को शेयर नहीं करता, क्योंकि वो बोलते हैं तो हम करेंगे लेकिन वो अपने आप के ऊपर उतने ज़्यादा काम नहीं करते। तो मेरा जब बिज़नेस शुरू हुआ था, मेरा जो पोल्ट्री फार्मिंग था, लगभग 1 से 1.5 साल 2 साल लॉस में ही जा रहा था। ठीक है, मेरा पहला जो प्रॉफिट आया था फार्म बनाने के 2 साल बाद आया था। मेरा मतलब है 2 साल बाद मुझे इतना ज़्यादा मुनाफा हुआ था, जिसके बाद मैं सोच रहा था कि इस बिज़नेस में आके मैंने सही किया। उसके पहले मुझे लगा था इस बिज़नेस में आके मैंने नुकसान, गलत काम कर दिया है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा हमेशा कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से काम को करना, मैनेज करना आना चाहिए, जिसमें आपका सफल होने का जो चांस है, संभावना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उस चीज़ को फॉलो कीजिए, आने वाले टाइम में आपको सफल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस जो इस सेगमेंट में करना चाहते हो, उसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा हो। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।